मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9010701 पर। जंगल में रहने वाला भूत नदियाँ झरना जाने के रास्ते वो जा रही थी। सुनो, जंगल में शेर भी रहता है, भेड़िया भी रहता है। इस कविता को लिखने वाली लेखक का नाम क्या है, बोलो? बताओ। एडी चेरी गोविंद नायर। एडी चेरी ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, उनमें से ये खास कविता है। ये भूतों की कहानी, भूत कविता। तो फिर हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम भूत कविता। एडी चेरी के भूतों की कविता से हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता, मेरी प्यारी देवी। कविता अभी भी ऐसे कैसे ही खड़ा है, हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। इधर आओ, आगे से स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आओगे? अपना मुंह खोल कर बोलो। नहीं। तो फिर जाओ बैठो, बैठ जाओ। हाँ। अरे उसे वहाँ रहने दो, तुम्हारे पिता को आने दो। अपने पिता का नंबर बताओ। 9944469253। पिता का नाम क्या है? शशि। लंच खाएंगे, जल्दी चलो। आगे से ऐसा काम करोगे क्या? नहीं। लेकर जाओ। ए चलो वो खेलते हैं हम लोग, चलो। हाँ, चलो चलो उधर आओ ना, सबको बुलाओ, सब साथ में खेलेंगे। हाँ, अरे नहीं, अरे नहीं, चीटिंग करते हो। अरे पकड़ो, हाँ बस यही थे। अरे इधर जाओ, वहाँ पाव लग जाएगा। अरे सर जी बोलिए। सर मुझे 2 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए, उससे पहले मैं पहुँच जाऊँगी। ऐसा क्या काम है? आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट है। ये हुई ना बात, आगे से स्कूल के हॉल में फॉर्च्यूनर गाड़ी भी खड़ी होगी। सही है ना मास्टर जी? हाँ, बच्चे लोग भी यहाँ पर है ना, तो अब गाड़ी चलाने के लिए भी सिखाएंगे। सर मैं जाके आऊँ क्या? हाँ जाओ जाओ। थैंक यू सर। नहीं वैसे तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे, जल्दी हो सके तुम जाओ, शीला के साथ ही खेलो। हाँ चलो सब लाइन में आएंगे। अरे जाओ, बीच में से नहीं जाएगा। ये लो चाबी, आज गाड़ी तुम चलाओगे, चलो जल्दी करो। एक पैकेट बिस्किट दे दो। अरे चाय अभी तक नहीं दी। अरे जल्दी हाथ चलाओ दीदी। अरे दीदी मुझे भी चाय दो ना, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ कोई पासिंग देने के लिए भीड़ नहीं है ना, सबको मैं देने वाली हूँ, सब लोग शांति बना कर रखो। आए बड़े कब से खड़े हैं, करो ना जरा जल्दी करो। पर लेकर आऊँ क्या? अकेली औरत क्या करे। अरे चेहरे पर धूप ना लगे, इसके लिए मैं मांगी थी। तुम निकलो यहाँ से पहले। अभी दुकान खोला है। बड़ा यूनियन के रैपर ला के देने वाला, निकल जाओ यहाँ से। आया बड़ा यूनियन का चमचा। क्यों डांट रही है? अरे कुछ टेंशन मत लेना, गाड़ी स्टार्ट करो, क्लच दबाओ, गियर डालो और एक्सीलेटर लो और बैठकर ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हें सब आता है और चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, तुम पास हो जाओगी। Baby.
ओके ओके नेक्स्ट। अभी रोड पे रनिंग टेस्ट है इस इंस्पेक्टर के साथ, मैं जाकर गाड़ी में बैठने वाला कोई हमारा आदमी है क्या? जरा देख कर आती हूँ। हाँ क्या हुआ? हाँ एक हिसाब से एच डाल दिया, आगे अभी रनिंग टेस्ट है, वही डर है। अरे तुम तो जीत जाओगी। अरे बाप रे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। स्ट्रेट साथ में रहने वाला एक आदमी गायब है, ये कोई लुका छिपी का खेल है? जो सच है वो बताओ। मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ सर, गाड़ी में बैठने वाले ट्रेनिंग ऑफिसर को मिलने के लिए बस यूं ही आई थी। वापस आते वक्त कार भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, फोन करके देखा तो फोन भी स्विच ऑफ है। अब मैं क्या करूँगी मेरे जीसस। आप ही उस इंसान को लेकर आई थी ना? अरे मैं तो सिर्फ स्कूल के उस टीचर को लेकर आई थी, अभी उनके घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगी। ये चाय की दुकान चलाने वाली औरत है, वो क्या है ना, उस लड़की के गाड़ी में एक इंस्पेक्टर बैठकर गया था, वो मैंने देखा था। कौन सा इंस्पेक्टर बैठ के गया था? बेकार में झूठ मत बोलिए, हम सिर्फ 3 लोग ड्यूटी पर हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं ना, एच डाला था, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, लेकिन रनिंग टेस्ट अभी बाकी है सर। सर ये फाइल देखिए। कंट्रोल रूम में मैसेज पास करो, जल्दी करो। आप लोग स्टेशन आ जाइए, रिटर्न कंप्लेन लिखवाना है, लड़की के घर वालों को पुलिस स्टेशन आने को बोलो। सर, सर, ये बेटी को दीजिए, मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। हाँ, मैं उससे रात में बात कर लूँगी। ठीक है। अभी बेटी कैसी है सर? ओके, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा सर। बीवी है? ठीक है, अब बात कीजिए। हेलो, हाँ बोलो। सुनिए, मैं कोच्ची स्टेशन पार कर चुकी हूँ, वैसे स्टेशन आने से पहले आपको कुछ चीजें खरीदनी है। अरे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैसेज भेज दो, मैं गाड़ी निकालने जा रहा हूँ। और मेरा बर्थडे केक लेना मत भूलना। हाँ हाँ नहीं भूलूंगा। आप आइए सर, गाड़ी में अब आ रही है सर, मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। आइए सर, सब गाड़ी पार्क कर दें। पैक कर दो। ठीक है सर। अरे एक मिनट दिखाओ। हाँ? नाम बदल देना, अमू नहीं चिन्नू, चिन्नू बेटी। ओके सर, अभी बदल देता हूँ। जल्दी कीजिए सर, आप बिल पे करिए, मैं ठीक कर देता हूँ। अरे ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा, आपके दुकान के सामने जो गाड़ी पार्क करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है ना? मानते हैं ना, इसलिए हमने सिक्योरिटी रखी है, ये हमारी सिक्योरिटी है। सर कोई गाड़ी चुरा कर भाग गया है। क्या हुआ, क्या समस्या है? सर किसी ने इनकी गाड़ी चुराई है। यहाँ खड़े होकर आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाओ। सर आप फोन दे सकते हैं क्या? बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ, पहले स्टेशन जाकर मम्मी को जरा पिकअप कर लेना, जल्दी जाना।
हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। हाँ सी मिस्टर थॉमस, आजकल गाड़ी चुराना मामूली हो गया है। उस आदमी के पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होंगे, शायद इसीलिए गाड़ी चुरा कर ले गया होगा। वैसे ये बताइए, ये घटना घटे कितना समय हो गया होगा? सर, एक घंटा हो गया है। तो फिर उस गाड़ी को ढूंढने के लिए माया बाजार ही जाना होगा। माया बाजार? हाँ, चोर मार्केट है सर। सर, न्यू कार है सर। जो चोरने वाला है उसके लिए नया पुराना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसे फोकट में मिला है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, गाड़ी को तोड़ कर ही पैसा ले लेगा। सर, वक्त निकलता जा रहा है सर, आप कुछ तो कीजिए। करेंगे ना, अब उसके लिए हमें भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि गाड़ी जो है अब तक दो हिस्सों में बढ़ चुकी होगी, एक बॉडी और दूसरा इंजन। हाई स्कूल की अध्यापिका विनीता को भी अगवा किया गया है। अभी तक पता नहीं है इसमें किसका हाथ है। ये दो औरतों को सेक्स रैकेट के प्लान से ही इस काम को अंजाम दिया गया है, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है। अरे सर, किस तरह की तकलीफ उठा रहे हैं, इसका सारा अंदाजा है। हम आपको कह रहे हैं कि अंदर मत जाइए। क्या है भाई, मैं नहा कर आया हूँ। अरे अच्छे काम के लिए आ रहे हो ना, इसलिए ऊपर से आशीर्वाद मिला है, ऐसा सोच लो काफी है। वाह, पानी गिरने से आशीर्वाद मिलता है, तो बंगले को सीधा पानी के अंदर ही बना लो। ठीक है, ऊपर आ जाओ। हाँ। जल्दी करो यार, टाइम हो गया है। टाइम के बारे में मुझे मत सिखाओ तुम। हा? कितने बजे आने की बात की थी तुमने? 9 बजे। अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 9:15। देखा, अभी मेरे से जुबान मत लड़ाना, चलो तुम यहाँ से चलो। अरे रवि भाई, अच्छे हो ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा हूँ। आज का छुट्टी है तुम्हारी? ऐसे ही। इसको पहले कभी देखा नहीं मैंने। वो मुत्तू सेल्वा अभी अभी ट्रांसफर होके आया है ना, उसके बारे में मुझे बोलने की वैसे जरूरत नहीं है ना। हाँ, तुम गाड़ी निकालो, मैं चाबी देकर आता हूँ। आ जाओ आ जाओ। हाँ। उस पार जाना है क्या? हाँ। उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल गया है। उस पार ले जाने के लिए वही एक इंसान है, और अभी उस पार जाने के लिए फिलहाल तो कोई आदमी नहीं है। क्यों ना हम एक चाय पी लेते हैं? मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं चाहिए। अरे आ गई तू? बेटी तुम यहीं पर रुको, मैं अंकल को वहाँ छोड़ के आता हूँ। आप छोड़ने के लिए जाएंगे तो फिर दुकान कौन संभालेगा? रहने दो। अरे तुम भी ना, कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ेगा। तुम तो बस मेरी टांगे खींचती हो।
देखो बीच में सीधे से बैठो। उस पार पहुंचने तक इसे ही देखता रहूं क्या? इससे अच्छा है आसपास के नजारे देखूं। आसपास बहुत खूबसूरती है। ए, तुम इसको मत देखो, तुम सिर्फ नजारे पे ध्यान दो, समझे? मैं नजारों पर ही ध्यान देने वाला हूँ। पीजी, एमएस स्टडी, सोशियोलॉजी, और जब काम की बात आती है तो नाम के लिए टीचर। मैं कहता हूँ देख लेना, ये प्लस टू में फेल होने वाले हैं, ये बात तय है। देखा तुमने, तुम्हारी यही परेशानी है, कुछ भी हो हमेशा नेगेटिव बात। आपने सुना होगा कि लोग औरतों को कम्युनिस्ट बोलते हैं और आत्मनिर्भर बोलते हैं और सोशियोलॉजी बोलकर दिखावा करते हैं। वैसे अंकल एक बात बोलूं क्या, अगर तुम इसी तरह बर्ताव करोगे ना तो इस जन्म में तुम्हारी शादी होने से रही। उस दिन लड़की देखने के लिए गए थे, वहाँ पोते के जैसी एक लड़की को भी देखा था, उसने तुम्हें पसंद भी नहीं किया। और दूसरा, एक चर्च में हमने जाकर दूसरी लड़की भी देखी थी, उसकी तो पूछो ही मत। और उस रबर बगीचे वाली लड़की को जाकर देखने के लिए गए थे, उसके बड़े पापा ठीक नहीं है। तो तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है मुझे बताओ? सलमा करामी। सलमा करामी, कौन है वो? कौन है वो, हमें एड्रेस दो, हम जाकर ढूंढेंगे उसे। वो यहाँ नहीं है, लेबनम में है। लेबनम में? वो वहाँ क्या कर रही है? वो एक 11 साल की लड़की है और जिब्बर की माशुका है। आजकल की ये लड़कियां पागल हो गई हैं क्या, किसी से भी शादी कर लेती हैं। आजकल तो ये नाजायज संबंध बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कैसा गांव है? हेलो, हाँ? पैसे देकर जाओ। वो क्यों? भाड़ा तो देना होगा ना? अच्छा, हाँ लो, ये लो, रखो, आ जाओ। ये लीजिए भाई। शुक्रिया। अच्छा बेटी, तुम आ गई। माँ बता रही थी कोई लड़की देखने आ रहे हैं। कौन है बेटी वो? मैं नहीं जानती, शायद ये लोग हो सकते हैं। ए, यही लड़की थी क्या वो? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चलो हम वापस चलते हैं। अरे कोई बात नहीं, रुको जरा देखते हैं। लोग बोलते हैं कि किसी लड़की के पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी तो हम लड़की देखने के लिए शुरुआत में ही किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे तुम्हें ये नहीं तो दूसरी लड़की का इंतजाम मैं कैसे भी करवा के देता हूँ, तुम चलो बस यहाँ से। मेरी बात सुनो ना। नहीं, रहने दो, बकवास कर रहे हो तुम। तेरे बोलो। कहाँ जा रही है ये? मंदिर है। हाँ, कहाँ जा रही है, इससे पूछ के देखते हैं ना। हो सकता है कि बच्चे के लिए दूध लेकर जा रही हो। कृष्णा भाई, थोड़े सामान की जरूरत थी। क्या चाहिए बोलो ना। थोड़ा लड्डू और थोड़ा हलवा। हाँ? चिप्स और थोड़ी दाल भी। माने बताया था, वैसे लड़का कहाँ का है बेटी? आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? कटुबंदरा। अच्छा, यही लड़का है क्या? हाँ। इल्लुवारी, वोडकांजेरी से हम लोग यहाँ जल्दी पहुँच गए और शादी करने वाली लड़की इतनी देरी से आ रही है। वोडकांजेरी और अर्नाकुलम पास तो नहीं है ना, बोट में आना पड़ता है मामा जी। आइए। ये कौन है? लगता है यही लड़का है। आइए। माफ कीजिएगा, हम लोग आपको पहचाने नहीं। वो क्या है ना, हम लोग ने सोचा नहीं कि आप लोग इस तरह आएंगे। आजकल के बच्चों का क्या कहना है, फोन तो कर देना चाहिए था कि आ रहे हैं। आइए, अंदर आइए। मैं रवि पिल्लई हूँ और ये मेरे अंकल हैं। प्रभाकर ने बोला आप मिलिट्री में थे। हाँ। मैं लड़की का मामा। हाँ। ये वर्गीस है, वो बड़े माँ का पति है, और ये उनके चाचा जी हैं, और ये हैं छोटे मामा, उनकी बहन से शादी किए हैं, और ये हैं जॉनी, छोटे पिताजी। अरे आपका स्टूडियो है ना? हाँ,
एनिमेशन स्टूडियो। ये टीवी में जो कार्टून देखते हैं ना, ऐसा काम करते हैं ये। दीदी, लड़का सुंदर है, मुझे पसंद आया। ऐसा है क्या? तो तू ही शादी कर लेना। मुझे तो मंजूर है, आपके होते हुए गांव वाले क्या बोलेंगे। चुप कर पागल लड़की। हाँ ये पहन लो। ये सब किस लिए? अरे तुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। ये काफी है माँ, अभी बेकार में क्यों ड्रेस को बदलना है? उस पार से लेकर यहाँ तक हम लोग साथ ही आए हैं, उन्हें पता है। देखा ना आपने, अभी तक इसका बर्ताव ऐसा ही है। दिल में जो भी है वो बाहर बोल देती है, कभी झूठ नहीं बोलती। सच कहूँ तो बिल्कुल अपने बाप पे गई है। और आपके पिताजी? प्रोफेसर है महाराजा सेल में, माँ भी लेक्चरर है, एक सिस्टर है प्लस टू में है। ये पालकड़ बोले तो ये वही ना जो ठाकुर खानदान में? हाँ लेकिन वो कोचिन में है और हम लोग एनर्कुलम में सेटल हैं। चल, चर्बी चढ़ गई है इसको। ठीक है चलो। आपने हमारी पूरी बात सुन ली ना? वही बात जो हम बोट पे कर रहे थे। जब शादी की बात होती है तो हम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, और लाइफ पार्टनर भी हमें ऐसी चाहिए होती है जिसकी सोच हमसे मिलती हो, लेकिन आज तक मुझे ऐसी कोई लड़की मिली नहीं। आप मुझे नाम लेकर बुला सकते हैं? बुला सकता हूँ। बात यह है कि शारा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और शारा तुम? आपका नंबर क्या है? मोबाइल नंबर 9446436898। ओके, आई विल एसएमएस यू। सब्र करने पर और भी मिलेगा। अभी उस लड़की को लेकर कहीं तुम अपने आप को खोना दो, मुझे ऐसा डर लग रहा है। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, बीच बीच में मेरे दिल के अंदर एक चिंता भी उठ रही है। वो तो तुम्हें मेरे लिए भेजा गया है यहाँ पे। हाँ, कितना दर्द है, कितना अच्छा फील है। कैसा फील समझ में नहीं आया ना? ये ले। उस लड़की के प्यार में तुम पागल हो गए हो ना बेटा? कैसा प्यार? उसने नंबर मांगा और मैंने नंबर दे दिया, उसे जरूरत होगी तो फोन करेगी। तो इसमें तुम्हारे अंकल को क्या तकलीफ होगी? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, कल सुबह तैयार हो जाना। उस गांव के सरपंच की बेटी है और बोल रहे हैं कि लड़की फैशन डिजाइनर है बेंगलोर में, उसे अभी फोन करके बोल देता हूँ। अंकल की तकलीफ के बारे में तुम मत सोचो, तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचने वाला हूँ मैं। इस काम को मुझे कैसे भी करना है वैसे करता हूँ मैं। तैयार हो जाओ, हमें कल जाना है। हाँ अब नहीं जाएंगे हम। नहीं जाएंगे। जाना है? अरे नहीं जाएंगे। जाएंगे। अरे समय बहुत हो गया, जल्दी चलो। हाँ बस आई 2 मिनट। अरे एबी, तुम चर्च नहीं आ रहे हो क्या? एबी तुम्हारे लिए कॉफी बना कर रखी है, ठंडी होने से पहले पी लो। नाटक कर रहा है वो, एसएमएस का वेट कर रहा है। कहाँ खो गए? उसे नहीं चाहिए तो छोड़ दो, रहने दो।
हम मिले भी नहीं और वो फिर भी भाव खा रही है। हाँ हो गया ना, अगर पसंद नहीं हो तो उसे उसी वक्त बता देना चाहिए था। वो उसके भाग्य में नहीं लिखा ऐसा समझो। कुछ भी हो ये अच्छे के लिए ही हुआ है, कोई और लड़की नहीं है क्या? तुम तैयार हो जाओ, कोलोला काटू जाएंगे, वहां के सरपंच की लड़की से शादी करा के उनके घर के सामने लेफ्ट राइट ढोल बजाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा कुछ हो। वैसे अंकल आप जो बोल रहे हैं वो आप ठीक ही बोल रहे हैं, बहुत सी लड़कियों ने मुझे देखा लेकिन किसी ने भी मुझे पसंद ही नहीं किया, किस्मत खराब है। हेलो हेलो, मिस्टर एबी है? कौन? मैं शारा। कौन शारा? शारा मरियम जॉन। सॉरी शारा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सॉरी एसएमएस नहीं कर पाई। इट्स ओके, बोलो। हमारे घर के यहाँ मोबाइल का रेंज नहीं मिलता है, इसीलिए कभी कभी फोन ऑफिस में रखती हूँ। कोई बात नहीं, टेल मी। वैसे हम मिल सकते हैं? अरे हाँ क्यों नहीं। कहाँ और कब? वो स्कूल में 11:30। ओके ठीक है। देखो कानून के मुताबिक मैं मिट्टी निकाल सकता हूँ, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? कोर्ट के फैसले को लेकर इस देश के इंसान क्या समझ रहे हैं इसका मुझे पता चलना चाहिए। देखो कानून के ऑर्डर के मुताबिक हम मिट्टी निकाल सकते हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर, और कोर्ट का ऑर्डर आप सबको मानना ही पड़ेगा। नहीं सर, आगे से मिट्टी को चुराएंगे तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, बहुत दिन से हम लोग बर्दाश्त करते आए हैं, पैसे देने से इस तरह का डॉक्यूमेंट्स और भी मिल जाएंगे, इसे दिखाकर आप हमें हरा नहीं सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो परशुराम का सर मिट्टी में चला गया था और इसे लेकर बहुत हंगामा भी हुआ था, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ बताओ? कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। ठीक वैसे ही इस वक्त भी कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ ना, जमीन की रक्षा हम लोग करेंगे, मेरी बात पर भरोसा रखो। अरे तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, तुम बस अपने लोगों को ले जाओ और चुपचाप एक साइड में खड़े रहो और यहाँ पर हमें अपना काम करने दो। सुनो मेरी बात समझ गए ना? चुपचाप अपने लोगों को ले जाओ और वहाँ में खड़े हो जाओ। नहीं
बचना चाहिए। अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ रे बाबा, अरे बाप रे बाप, अरे चोट लग गई बहुत ज्यादा। सर आप रुकिए, मैं दवा लेकर आता हूँ। जिले में सरकारी हॉस्पिटल में सब इंस्पेक्टर चंद्रन नायर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तब कुछ लोग आकर व्हीलचेयर पर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया है, किडनैप कर लेकर गए हैं। कांस्टेबल जब दवा खरीदने के लिए गया था, तब अलगवादी लोग चंद्रन नायर को किडनैप करके लेकर गए हैं। वहां अभी पुलिस की छानबीन चल रही है। पहले जो दो घटना हुई थी, उन घटनाओं के बाद ये लगातार तीसरी घटना है। इस बात को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। दो औरतों का किडनैप हुआ है। उस केस में जो छानबीन कर रहे हैं वो लोकल पुलिस शायद जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं उन्हीं लोगों ने दिन दहाड़े उस किडनैप की घटना को अंजाम दिया है। चैनल 5 से रिपोर्टर तारा विश्वनाथ। कंट्रोल रूम ओवर, जेल फाइल 7236, उन्हें पकड़ने का ऑर्डर मिला है। कंट्रोल रूम ओवर। अभी अभी जिसका किडनैप हुआ है, ये किसने किया होगा, क्यों किया होगा, ऐसा अभी भी हड़कंप मचा हुआ है। जिन्हें कल किडनैप करके लेकर गए हैं, उन सब इंस्पेक्टर चंद्र नायर का वायरलेस सेट कूड़ा स्थल में पाया गया है। चैनल 5 की रिपोर्टर तारा विश्वनाथ और उनकी टीम ने वो कर दिखाया जो पुलिस भी नहीं कर सकी। बाकी की खबर देने के लिए हमारे साथ तारा विश्वनाथ जुड़ी है। वीना, खून के सिलसिले में और किडनैप के सिलसिले में वैसे तो पुलिस लोग छानबीन कर रही है, लेकिन ये देखने से साफ साफ पता चल रहा है इस घटना को किडनैपर्स ने प्लान करके अंजाम दिया है। एसआई चंद्रन नायर, जिनका दिन दहाड़े किडनैप हुआ है, उनका वायरलेस सेट शहर के कूड़ेदान में पड़ा हुआ मिला है। आइए हम आपको दिखाते हैं, सच क्या है वो जानते हैं। ओवर, जीआई के बेटी की हिफाजत करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है। सभी ऑफिसर लोग एक साथ मिलकर हिफाजत करने के लिए तैयार हो जाइए। सावधान रहे, कोई गलती ना हो। ओवर। सर, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। Hey, शूट मत करो। एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया गया है और एक कूड़े वाली जगह में उनका वायरलेस सेट पाया गया है। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा क्या हो रहा है? हम पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं, आप मुझे सिखाइए मत। जाइए मैडम। यहाँ जो भी घटना घटी है, इस रिपोर्ट को हम पहली बार हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। इसे आप अभी अभी देख सकते हैं। जनता की सुरक्षा करने वाले जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो फिलहाल के लिए खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। चैनल 5 से रिपोर्टर तारा विश्वनाथ। सभी लोग पोजीशन पर पहुंच गए। ओवर। मे आई कम इन सर? यस, प्लीज सिट। थैंक यू सर। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सिर्फ दो दिन में टीआरपी की रिपोर्ट बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस। थैंक्स। मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। सर। पुलिस की छानबीन के साथ साथ चैनल 5 का भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करना होगा। ओके। तोड़ मरोड़ कर पुलिस टीम जो कहानी सुनाती है, उससे भी ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है कि हमारी टीम लाइव इन्वेस्टिगेटिव खबरें जनता तक पहुंचाए। इस केस की पूरी जिम्मेदारी तारा को देने के लिए एडिटोरियल बोर्ड ने फैसला किया है। सिर्फ किडनैपिंग केस की स्टोरीज तुम इन्वेस्टिगेट करोगी। ओके, आई विल ट्राई सर। गुड लक। थैंक यू। सिस्टर, क्या बात है? शारा मेरे जॉन से मिलना है। ओह अच्छा, मैं समझ गई, शारा ने बताया था उस क्लास में है। ठीक है। रा,
एक आधा घंटा प्लीज, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ अंकल, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तुम उससे मिले कि नहीं? मिला था लेकिन अभी तक बात नहीं हुई उससे। ओह, नारियल है लेकिन फोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां क्या बात हुई मुझे बताना, समझे ना? यहाँ मुझसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ सिस्टर, क्या हुआ, मिले नहीं क्या? हाँ मिला था, वो भी आती ही होगी। अब वैसे सिस्टर, शारा ने मेरे बारे में कुछ बोला क्या आपसे? कोई उसे मिलने आ रहा है ऐसा कहा था उसने। कोई मिलने आ रहा है ऐसा ही बोली बस, या कोई स्वीट जैसी बात, कोई मजेदार बात बोली क्या? सिस्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप गलत मत समझो। सिस्टर मैं आपको अपनी बहन समझकर पूछ रहा हूँ आपसे। एक्चुअली शारा ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, प्लीज याद करके बताइए ना। दरअसल मेरे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। यू मस्ट कंसिडर अ साइकेट्रिस्ट, गॉड ब्लेस यू। सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक एनिवर्सरी है, इसके लिए मैं भूल गई थी, फिर बाद में मुझे याद आया। एबी, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को लाकर दोगी क्या? श्योर। जब मैं डिग्री की पढ़ाई कर रही थी तब मेरे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। शादी के बाद भी मैं वो जिम्मेदारी पूरी करने की आज़ादी चाहती हूँ। एक सो कॉल्ड हस्बैंड को ये सब स्वीकार करने की कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। वैसे ये भी अभी भी सोच सकते हो। शांत हो जाओ, बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना। अगर सो कॉल्ड हस्बैंड बनकर रहना होता तो अंकल की बात कब की मान ली होती। एक बात सच बताऊं, मैं जैसा हूं ना, मुझे वैसी ही एक प्रैक्टिकल माइंडेड लड़की चाहिए। मैं वैसी ही लड़की ढूंढ रहा था, ऐसी लड़की के साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूं, और फिर मुझे तुम मिल गई, और तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटी। ऐसा है क्या? अब मैं समझी तुम्हारे अंकल शादी के लिए क्यों परेशान थे। ये क्या है? सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स? हाँ, प्लस टू फेल हो गई हूँ, पता है ना? ओह, तो तुमने उस दिन की बात अपने दिल पर लगा ली क्यों? मैंने तो मजाक किया था, ये भी तुमने तो सच मान लिया, इसीलिए इसे साथ लाई हूँ। ओह, ये भी सिर्फ तुम ही नहीं, सब लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं। बेटर जॉब का स्कोप होने के बाद भी क्यों इस तरह अनाथ स्कूल में जॉब करती है? मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी अनाथ बच्चों को पढ़ाने की। उन बच्चों के चेहरे को देखकर मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है, और थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लिए मैंने क्या किया है। भगवान ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। चलो। एबी, तुमने कुछ बोला नहीं? कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। शारा तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। तो फिर डील या नो डील? डील। अंकल है। हेलो एबी। हेलो हेलो, कट हो गया, एक मिनट। हाँ ठीक है।
हेलो अंकल। अंकल भाड़ में जाए, तुमने किस लिए मेरा फोन कट किया था? तुम्हारा काम बन गया है, अब मुझे रास्ते से हटा दिया तुमने। अरे अंकल, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ सिचुएशन अच्छा है। क्या अच्छा है? सब कुछ बदल गया है, मेरे बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई, लगता है मेरी किस्मत खुल गई। है? सच बोल रहे हो? हाँ। ओके अंकल, मिलते हैं। हेलो हेलो हेलो, हमारा क्या होगा ये जानने के लिए अंकल तड़प रहे हैं। अंकल की फैमिली में कौन है? अंकल की फैमिली में मैं, पापा, मम्मी, एल्सा और अब तुम भी हो। फैमिली? अंकल बचपन में ही गांव छोड़कर आ गए थे और आधी से ज्यादा जिंदगी उन्होंने मिलिट्री में ही बिताई और बेटे की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इसके बाद अंकल वापस गाँव आ गए। उनका बेटा मेरी उम्र का था। स्कूल और बाकी जगहों पर हम दोनों साथ ही रहते थे, हम दोनों कभी अलग नहीं हुए। एक बार स्कूल के वेकेशन में हम लोग बाहर घूमने गए हुए थे, हम सब नदी में वहां नहा रहे थे और मेरा पैर फिसल गया। मुझे बचाने के लिए वो आगे आया, मैं तो बच गया लेकिन वो, और उसके बाद मैं ही अंकल का बेटा हूं और मेरी जिंदगी के सारे फैसले अंकल ही लेते हैं, इसलिए जो भी अंकल कहते हैं मैं वही करता हूं। मेरे करियर, मेरे व्यवहार में, मेरी जिंदगी में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अंकल की ही परछाई मिलेगी और अब तुम्हारी परछाई। जब भी मैं फोन करूंगी तब ये रिंगटोन आएगी, ये लो इसे रख लो। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। एक बार और करो। हाँ। हेलो। हेलो, कैसा लग रहा है रिंगटोन? अच्छा है। पसंद आया क्या? उस गाने का मीनिंग समझ में आया क्या? नहीं। भगवान से मुझे कोई शिकायत नहीं है जब तुम नहीं हो मेरी जिंदगी में। अगर तुम नहीं हो कसम से तो वो मेरी जिंदगी नहीं है। अभी और अच्छा लगा ना ये गाना तुम्हें? बहुत अच्छा। आगे से इस बात को याद रखना। रेडियो सिटी मलयालम पेश करते हैं आपका पसंदीदा गाना। क्या बात है, एफएम में भी यही गाना? किसकी बाइक हो सकती है? फोन किसका? काफी देर से यहीं पर पड़ी है। और ये फोन भी कब से बची है? अरे क्या हुआ? चल उधर देख। 8:30 का समय होगा, एक आदमी दुकान पर आकर थोड़ा राई का तेल खरीद कर चप्पल छोड़कर पूजा करने के लिए चला गया और दुकान बंद होने तक भी नहीं आया। मैंने इस गाड़ी को भी देखा, काफी देर से फोन की घंटी बज रही थी। आप उसे पहचानते हैं क्या? नहीं सर, उसे तो मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ,
किस लिए फोन किया अभी? यहाँ किसकी मैयत उड़ गई है ये जानने के लिए? शादी के समय पे पूरे खानदान को यहाँ खड़ा करके मंदिर जाकर पूजा करने की बात बोलकर चले गए। तुम बेवजह इतना क्यों हमें इस तरह का तकलीफ देते हो? मेरी इस बेटी का क्या कसूर है? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस तरह गद्दारी करके हमें मारने से अच्छा थोड़ा घास लेट डालकर जला देना था ना। कोचिन शिपयार्ड में काम करने वाले कर्मचारी को किडनैप करके ले गए हैं, जिनका नाम मनोज है। मनोज की बेटी की शादी तय हो गई। मनोज नाम के कर्मचारी को हाल ही में किसी ने किडनैप किया है। जो मनोज कहां लेकर गए और उसका क्या हाल है ये अभी तक पता नहीं है। आगे किडनैपर्स का फोन आएगा या नहीं उसी के इंतजार में हम बैठे हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सोलह तारीख बोला तो वेडिंग करीब है, उसके बाद तो सिर्फ एक ही हफ्ता है। थोड़ा एक हफ्ता फंक्शन को दूर रखना था, क्यों इतनी जल्दबाजी करनी है? कितने लोगों को बुलाना भी पड़ता है। अरे तुम भी ना, 1000 लोगों को बुलाओ, लेकिन ये तो अपने हाथ की बात है ना, इसे दबाकर फोन कर लेना इतना काफी है। जो भी तुम्हारे खास लोग हो उन्हें सामने से जाकर बुला लेना। क्यों भाई? सही बात। वैसे किसी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है ना, बस अपने हिसाब से फंक्शन कर दो। ये कैसे उछल रहे देखो तो जरा। कुछ भी हो रिश्ता तो तय हो गया है, आपने तो उसे इतनी दूर तक समझा दिया है। सही बोला, इसकी जिद को देखकर मुझे तो डर भी लग रहा था, पर अब जाकर मुझे शांति मिली है। जिसको भी बुलाना है उसके लिए जल्दी से तैयार करो, शादी के काम पर लग जाओ। टीचर और सर आप लोगों का काम इतना ही है, बाकी काम को मैं मिलिट्री स्टाइल में पूरा कर लूंगा, काफी है ना। जैसे तुम्हारे पापा बोलते हैं एबी वैसा ही करो। एबी जाओ अंकल को जरा ड्रॉप करके आओ। हेलो, मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय। ये शादी होती है ना, ये सब किस्मत की बात है, इसके लिए इसको साथ जीना है, ऐसा भगवान पहले से ही तय करके हमें यहाँ भेजते हैं। मेरी जिंदगी तो तुम देख ही रहे हो ना, पोलोटा गांव में रहने वाले एक मिलिट्री वाले ने एक बिहार में रहने वाली लड़की को बीवी बनाकर अपने घर लाया। ये जोड़ियाँ सब ऊपर वाला ही बनाता है। हाँ, जिसको हम पसंद करते हैं उसे अपनाने के साथ जिंदगी जीने का, यही जिंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है। ए सुनो, तुम्हें तो बम्पर लॉटरी लगी है ना, मेरा कमीशन कहाँ है? अंकल कैसे कमीशन की बात कर रहे हो, आप तो मेरी पूरी जिंदगी हो। अबे चुप कर। Shocking news. 1, 2, 3. अभी एक आदमी को ATM सेंटर से किडनैप किया गया है। अभी हमने जो देखा है एक फिल्मी स्टाइल में किया गया किडनैपिंग है। किडनैप का शिकार हुआ चौथा आदमी पेरुमल कपड़े की दुकान चलाने वाला साजी केआर है। जब किडनैप हुआ था उस वक्त सामने से देखा हुआ गवाह सिक्योरिटी स्टाफ की जुबान से जो सुना गया है वो चैनल 5 की तरफ से रिक्रिएट किया गया सीन है। आज सुबह 7:30 बजे एक ATM काउंटर के सामने खड़े होकर साजी केआर का किडनैप हो चुका है। तारा, हमें और भी सुनने की दिलचस्पी है। तारा, ATM के पास और क्या हो रहा है? वीना, चाहे छानबीन का मसला हो या मीडिया की तरफ से खबर झूठा करने का, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ऐसा पुलिस के बर्ताव से पता चल रहा है। एक हिसाब से केरला के इतिहास में ये पहली बार हुई घटना हो सकती है। इस किडनैपिंग को लेकर जनता के बीच में हड़कंप मची हुई है। लगातार एक के बाद एक 4 लोगों का किडनैप होने के बावजूद अभी तक पुलिस किडनैपर्स का पता नहीं लगा पाई है। होम मिनिस्टर के ऑर्डर पर सब लोग जोश में आ गए हैं। विपक्ष के लोग पक्षधार को झाड़ रहे हैं। इस घटना के बारे में और जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। इसके अलावा और क्या खासियत है केरला के पुलिस डिपार्टमेंट में? कहां तक पहुंची है छानबीन? सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। पता नहीं कब तक ढूंढेगी। सुनो, 1-2 नहीं, पूरे 4 लोग लापता हैं। उनके रिश्तेदार और गांव वालों ने एक्शन कमेटी तैयार की है। देख रहे हो ना, ये पत्रकार और चैनल वाले पुलिस के सर पर मंडरा रहे हैं। सर, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सबूत नहीं मिल रहा है। तो फिर हम एक काम करते हैं, अखबार वालों को एक इंटरव्यू देते हैं।
मेरे प्यारे किडनैपर, आगे से किडनैप करने से पहले एक सबूत छोड़कर जाइएगा, हाँ ठीक है ना? नॉनसेंस। हेलो, सॉरी सर, सर सर 12 आवर्स, जस्ट 12 आवर्स। अब तक जितनी भी छानबीन की है उसकी डिटेल मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, गॉट इट? ओके, देन गेट लॉस्ट। बच्चे अंकल प्लीज रोकिए, लेट हो रहा है। क्या कर सकते हैं आप, बैठिए। हेलो, ए सुनो, बस वापस रिटर्न लो। हेलो, ऐसा है क्या? कब? वन सेकेंड। ओके सुधी, सीरियल किडनैपिंग केस क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। तुम कब से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गई? देखो बस आ गई, अरे देखो बस आ गई, चलो चलो अब हम जा सकते हैं स्कूल, अब लेट नहीं होगा, ये चलो चलो जल्दी से लाइन में आगे खड़े रहना तुम। चलो चलो चलो, बस आ गई बस आ गई, हाँ मुझे अंदर जाने दो, चलो मैं जाऊंगा अंदर, मैं जाऊंगा, मुझे बैठने दो। चलो अंदर, सीट चाहिए मुझे। मुझे यहाँ बैठना है खिड़की के पास, तुम पीछे जाओ। ये गिरीश पार्थ सारथी अभी पालकाड़ क्राइम ब्रांच के ACP हैं, उनका गांव तंजावुर है। चलो चलो जल्दी उतरो उतरो। बाय बाय सर, बाय बाय अंकल, बाय बाय, हां बाय बाय। ये भाई एक चाय बनाओ। बनाता हूँ साहब, अच्छी वाली देना। ओके सर, गुड लक, थैंक यू सर। या सर, मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन है, कैसे बिस्तर पर पड़ी हुई है आप देख रहे हो ना सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर रोज मैं जो दवा खाता हूँ उसके बारे में मुझे याद भी नहीं रहता था। हे भगवान, सब कुछ वही देखती थी सर। ये जानकी की माँ है सर। हाँ बोलिए माँ जी। सुबह सुबह वॉकिंग के लिए गए थे बाप बेटे दोनों, तब एक कार ने आकर ठोक दिया, फिर हमें पता चला कि उनको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। ATM से पैसे निकालने के लिए गया था मेरा बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
महेश, जिनका किडनैप हुआ है उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स पूरा डिटेल्स जल्द से जल्द तैयार करके मुझे भेजो जल्दी। ओके सर, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सलीम, यस सर। राज बाबू, दे विल असिस्ट यू, टेक योर व्हीकल। सर महेश, मेक इट फास्ट। ओके सर। रेखा, कम। यस सर। एबी, गाड़ी रोको, सामने ट्रेन है। एबी गाड़ी रोको। क्या है एबी? गाड़ी रोको एबी। ट्रेन आई नहीं ना अब तक, हम अगले स्टेशन में चढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों? अब हम इतने दूर आए हैं तो क्या हम बात भी ना करें? बात समझा करो। अरे बाप रे, तुम क्या बोल रही थी? मिस पारा मैथ्यू कुरियन, बताओ क्या बोल रही थी? बगल के फ्लैट में कोई एक लड़की थी जिसके प्यार में तुम थे। सही कहा तुमने, मैंने सोचा तो था। वैसे वो मुझे बहुत चाहती भी थी। उसके पिताजी के गुजरने के बाद जब प्रपोज करने के बारे में सोचा मैंने, तब समझ आया कि माँ बाप का दबाव क्या होता है। तो फिर क्या, उस वक्त भी मेरा दिल किसी और के इंतजार में तड़प रहा था। कौन है? पता नहीं, लेकिन मैं किस करके बताता हूँ। अरे छोड़ो ना, क्यों तड़प आ रही हो मुझे? माँ को तो पसंद आया ना। हाँ तो उससे क्या तो हुआ? फिर मुझे ढूंढ कर क्यों आए? तुम बहुत माहिर हो। अभी देखो ट्रेन। आपने ध्यान रखना, गाड़ी चली जाएगी। अरे जल्दी चलो, पहुंचने वाले। तुम हमेशा लेट करते हो। कोई बात, अरे मैं कहां लेट करूं? जल्दी जल्दी चलो। अरे अंदर हो ना। हां हां सर, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। एबी, सीट मिल गई ना? हां मिल गई। एबी मुश्किल है। हां मुझे पता है, जाते वक्त तुमने पलट कर भी नहीं देखा। अरे बाप रे, किसी भी तरह ट्रेन पकड़ना है ऐसा सोच रही थी और तुम्हें पलट कर देखने की पड़ी है। अरे मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, किस करते वक्त तुम्हें पसंद आया क्या? ठीक है, हाँ हिसाब में इसे रख लो। Tell me, महेश, क्या खबर है? Going well, सर, लेकिन बीच में एक ख्याल आ गया। वैसे सच बोलूं तो सोच रहा हूँ। Hey, come on, man. मनोज पुदीमन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो घर पर हमेशा झगड़ा करता है और ज्यादातर उधार लेकर रखा है। घर में इस तरह के मसले को लेकर झगड़ा करके घर को छोड़कर गायब होने की घटना, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ इसके साथ। अपनी बहन की शादी को लेकर जो मनोज बैंक में पैसे निकालने गया था वो घर आते वक्त गायब हो गया। You mean... वैसे मनोज तो गायब है, लेकिन ये किडनैप है ऐसा हम फैसला ले सकते हैं। वैसे तो हमारे केस में इतना पैसा अगर बोला तो साजी के आर और एस आई चंद्र नायर और फिर उसके बाद लीजा थॉमस, बाकी दोनों तो वैसे भी मिसिंग है ना सर। चाहे तो उसे हम किडनैपिंग बोल सकते हैं सर, लेकिन ऐसा तो सिर्फ हमारा शक है सर। ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन सर। डू वन थिंग, मनोज के फ्रेंड्स और ऑफिस स्टाफ को भी डिटेल्स पूछताछ करो। आई विल कॉल यू। ओके सर। सुनो, हाँ थोड़ा पानी दे दो और बाद में केस की छानबीन में लग जाओ। आधे में खड़ी हूँ मैं। हाँ ओके। हाँ हर महीने टाइम पर भाड़ा लेता है, लेकिन पाइप को ठीक करने के लिए बोला तो वो नहीं होता। सुनिए, बच्चे को संभालो। मम्मी, Thank you.
सर। हाँ रेचल, मामला बहुत गंभीर है। फेमिनिस्ट लोग असुविधा होने का समय। क्या बात है सर? हमारे विनीता टीचर का हस्बैंड शिप में काम करते हैं। हाँ सर। टीचर के मॉडल बैकग्राउंड के बारे में जरा एमएस करना है। कुछ गोवा शिप रूमर्स अखबार में भी छपा है ना, उस रास्ते में जरा छानबीन करो। समझ गई ना? ठीक है सर। हम इसे किडनैप समझ रहे हैं। अगर इसके पीछे कुछ रहस्यमय कांड है तो इसको कंफर्म करना होगा। ओके ओके सर। रात होने पर भी उस बेचारी रेचल को सोने नहीं देते हो। अच्छा, यही है ना वो टीचर? विनीता। देखने से ही लग रहा है बेचारी हाउसवाइफ है ये। सच बोल रही हो? हाँ। तो सुनो, किचन में डोसा बनाने जा रही हूँ, जल्दी आओगे तो खाना मिलेगा। अच्छे से आप लोग सोचकर उसके बाद बताइए ये केस कितना अहम है। ये आप लोग जानते हो, मुजरिम अभी भी पकड़ में नहीं आया है, इसलिए अच्छे से आप लोग एक बार सोचकर उसके बाद बताइए। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इसीलिए आप लोगों की मदद मेरे लिए बहुत जरूरी।
हाँ महेश सर, क्या हुआ अपने मनोज पुदीमन का? सर ये मनोज मामूली तौर से गायब होने को बोला तो यकीन नहीं हुआ, वैसे मोबाइल फोन तो हमेशा अपने पास रखता है, अगर वो गायब होता तो वो गाड़ी में छोड़कर नहीं जाता सर। एनीवे सुबह 9 बजे मिलते हैं। ओके ओके सर, श्योर। ओ मिनिस्टर इस्तीफा दो, जनता बचाओ सरकार, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जनता बचाओ सरकार हटाओ। ये पांचों मिसिंग केस साफ तौर से पता चल रहा है कि ये एक किडनैपिंग है। अगर हम इसे अपने नजरिए से देखो तो इन पांचों को मिलाने वाला अनजान सुराग मिलेगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया और उसी के बारे में बात करनी है। ओके, यहाँ महेश का पहला असाइनमेंट यही था, वो पांचों लोग यही अगल बगल में ही रहते हैं और ये पोस्ट ऑफिस के बगल में ही हुआ था। उनमें 1 पटोली, मार्केट नंबर 2, नया जंक्शन, यहीं पर नए जंक्शन में गायब हुए हैं जो भी किडनैप हुए हैं वो तीनों लोग। नंबर 1 विनीता टीचर और मनोज पुदियामना एंड SI चंद्र नायर, राइट। ये जो मिनरल मिट्टी निकालने के सिलसिले में अपने नए जंक्शन के परिसर में ही हुआ है, इन मामलों में दखल अंदाजी करने की वजह से ही SI चंद्र नायर भी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और किडनैप भी कर लिया गया है। इन ब्रिक एक तो सीधा कुन्ना हो सकता है, नहीं तो पुदियामना जगह में। जो भी किडनैप किए हैं उन पांचों में से 3 लोग आपस में नहीं दिखाने वाला एक सुराग है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना महेश? सर टेल मी, इस परिसर में लोकल पुलिस के पास कई कंप्लेंट आए हैं, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से उस आदमी से कोई भी सरकारी कर्मचारी उससे पूछताछ करने के लिए आगे नहीं आया सर। सलीम साबू। यस सर। नाउ इट्स योर टर्न। यस सर। ए चल, अरे चल, छोड़ो मुझे, अरे मुझसे जबरदस्ती मत करो, अगर मैं अपने पे आऊंगा ना चल भाई औकात दिखा दूंगा, छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं तुम लोगों को मार कर मिट्टी में गाड़ दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ, ये क्राइम ब्रांच, क्राइम ब्रांच मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चल छोड़ो। बैठो बैठो, क्या बात है रेचल? सर सबके मोबाइल फोन की कॉल लिस्ट के डिटेल्स को मैंने चेक किया, लेकिन नोट करने जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक डिटेल्स पता चली है, जैसे SI चंद्र नायर के फोन में सिर्फ इनकमिंग डिटेल्स ही हैं, और उसमें हर रोज 10 से लेकर 11:30 के बीच एक ही नंबर से लगातार कॉल आया है। उस नंबर को ट्रेस करने के लिए भी बोला है। बैग और थैले में कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन साजी के यार एक शुगर पेशेंट है, उसका प्रिस्क्रिप्शन ये लीजिए। ममूटी हार्ट फाउंडेशन के लिए लीजा थॉमस ने खत लिखा है। कहाँ? ये साजी के यार के पर्स में से मिला है सर। हाँ महेश टेल मी। सर इस मिट्टी के निकालने के सिलसिले में पूछताछ करने पर एक जानकारी मिली है सर। हाँ बोलो। साजी के यार एक अलग संगठन चला रहा था सर, उस प्रदर्शन में उसने हिस्सा भी लिया था। इस मिट्टी निकालने वाले माफिया के तरफ से साजी के यार को बहुत सारी धमकियां दी गई हैं। हम लोग वहाँ पर छानबीन करें। Why not? विनीता, मनोज, चंद्र नायर, ये साजी के एसीआर शौक देने वाले सबूत हमें मिलता जा रहा है, ठीक है? तुम समझ रहे हो ना महेश? यू प्रोसीड। बाय। सर इसे आप भूल गए हैं, ये सीजन टिकट है, लीजा थॉमस के बैग में था ये, और ये जो टिकट साजी के यार के बैग से मिला था उस नंबर में मैंने ट्राई करके भी देखा, लेकिन स्विच ऑफ है। अच्छे से लिखो बेटी, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा लिखो। हाँ रेचल। सर
लेजा थॉमस, विनीता टीचर, मनोज पुदीमना, साजी केआर, एसआई चंद्र नायर, ये पांचों लोग मुलुकरा क्राइम में फरवरी 2 तारीख को ट्रेवल किए हैं क्या, इसका पता लगाना है। इन पांचों लोगों का घर और ऑफिस हर जगह पे जांच पड़ताल करना है। आई वांट फुल डिटेल्स, नीड इट टुमारो। जीसस का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहे। हमेशा जीसस का आशीर्वाद बना रहे। अरे बच्चे निकले नहीं क्या? अभी आ जाएंगे। चारा कहाँ है? वो आ रही है। हाँ। The number you're trying to call is busy. Please stay on the line or call again later. The number you're trying to call is busy. Please stay on the line or call again. जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज बिजी, प्लीज स्टे ऑन द लाइन और कॉल अगेन लेटर। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज बिजी, प्लीज स्टे ऑन द लाइन और कॉल अगेन लेटर। क्या हुआ मदर? सब कुछ रेडी है ना बेटी? हाँ मदर। ख्याल रखना, कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो सिस्टर को बोल दो। रास्ते में कुछ भी खरीद कर खाना मत और बच्चों का ध्यान रखना। दोपहर में कोई अच्छे होटल देख कर रोकने के लिए बोलो। हाँ तो फिर तुम जाओ। ठीक है मदर। हाँ वैसे मेरी सिस्टर बीच में हॉस्पिटल जाने की बात कर रही थी। शारा तुम फोन करके पूछ लो। ठीक है चलती हूँ। हेलो सलीम, कैन यू हियर मी? हाँ सलीम, अच्छे से ध्यान से सुन लो। विनीता टीचर, एसआई चंद्र नायर, ये सब लोग फरवरी 2 तारीख को एर्नाकुलम पैसेंजर ट्रेन में एक साथ ट्रेवल किए हैं। इसका पता लगाओ और खासकर दोनों के घर पर जाकर पूछताछ करो। कुछ मिस नहीं होना चाहिए। एंड ब्रिंग द डिटेल्स ऑन माय टेबल टुमारो इटसेल्फ। ओके। क्या हुआ सर? पांचों में से तीन लोग उस ट्रेन में उस तारीख को ट्रेवल किए हैं। कम। ओके सर। एसआई चंद्र नायर और विनीता टीचर, इन लोगों के बारे में पता चल गया है तो? जिनका किडनैप हुआ है वो पांचों एक ही ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। इसका पता चला तो हम किस मुकाम पे पहुंचेंगे? वही सच है, ये कौन जानता है। लेट्स ट्राई सर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। राधा कृष्ण टेक्सटाइल के ओनर मुर्गन की गाड़ी है ये। उस आदमी का घर कोयम्बूतर में है। जब भी वो घर जाता है तब गाड़ी यहीं पर छोड़ जाता है। 7-8 दिन हो गए वो वापस नहीं आया। अभी 10 दिन हो चुके हैं। ये लीजिए मुर्गन का नंबर, चाहे तो आप फोन करके देख लीजिए। ओके। गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास है? हाँ जी, एक दिन से ज्यादा होने पर मैं चाबी घर की मेड को दे देता हूँ। हम 2400 घंटे यहाँ मिल जाएंगे सर। गाड़ी इधर उधर रखने के अलावा गाड़ी इस कंपाउंड के बाहर कभी नहीं जाती सर। फिलहाल के लिए इस आदमी को छोड़कर रखो। हफ्ते भर के लिए यहाँ 2 कांस्टेबल रखो निगरानी के लिए। ओके सर। 24 घंटे। ए बी मैथ्यू कुरियन, तुम इस चर्च के रस्म का पालन करते हुए सारा मरियम को दिल से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? स्वीकार है।
सारा मेरी जॉन, तुम ईश्वर को साक्षी मानकर इस चर्च के रस्म का पालन करते हुए एबी मैथ्यू कोरियन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? स्वीकार है मुझे। हमारे जीसस के आशीर्वाद से सभी लोगों को खुशी की जिंदगी मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आज और हमेशा हमेशा लोग इसी तरह खुश आबाद रहें और शांति से रहें। आमीन। शादी हो जाने के बाद इस तरह लड़का लड़की को साथ में नहीं बिठाते, ऐसा बाइबल में लिखा है। किस बाइबल में? हमारी बिरादरी की बाइबल में। हाँ। रवि अंकल, मेरा ना स्कूल जाने का वक्त हो रहा है ना। हाँ हाँ, बस पहुंच गए। आ जाओ आ जाओ। यहाँ हम किससे मिलने आए हैं? अरे अंदर आओ। ये सब मेरे बेटे आदि आदि की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। अंकल, इतने दिनों में अभी तक हमारा सफर यहां तक पहुंचा है, इस जंक्शन में ट्रेन और फिर सीधा अपहरण। अपहरण के रेस्क्यू में अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। उस परिस्थिति में यहां पार्किंग में एक रेड आमनी, उसके बाद हाँ महेश सर। हेलो हेलो सलीम, तुरंत महेश से कनेक्ट करो, ब्रिंग द डिटेल्स। रिचल कम। ओके। जी को गार्ड कर रख दूंगा मैं। हाँ, वन सेकेंड सर। महेश। हाँ महेश। सर विनीता टीचर उसी तारीख को उसी ट्रेन में सफर कर रही थी। ये टीचर के हस्बैंड को भी नहीं पता था सर, ऐसा सफर था ये। विनीता टीचर की दीदी के घर पे एक फंक्शन था उस दिन। टीचर एर्नाकुलम गई थी। टीचर का परिवार और उनका हस्बैंड ज्यादातर एक साथ नहीं रहते थे। What about चंद्र नायर? उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा सर। उस बेचारे की तो एक बेटी और बीवी थी। वो चंद्र नायरन की बीवी का आजकल क्यों इतना डिमांड है? बड़े बड़े साहब आजकल उसे पूछते हुए आ रहे हैं यहाँ, तुम्हारा पति यहाँ गया क्या, तुम्हारा पति वहाँ गया क्या। मैं एक चटाई बिछा कर यहाँ बैठ जाती हूँ तुम्हें जवाब देने के लिए, क्या बोलते हो? इस उम्र में बूढ़ी को ले जाकर आप जेल में बंद तो नहीं कर सकते। मेरा समय बर्बाद मत करो, आ जाते हैं। हाँ हाँ, सर का बाल अभी तक उगा नहीं है, इतने में मुझे काटने में लग गए हो। बिल्कुल बाप पर गया है। मुझे दो, मुझे भी खेलना है। दो ना मुझे, दो ना मुझे। पहले मैं खेलूंगा फिर दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? पुष्प कुमार। इस बुढ़िया के पीछे पड़े रहने से आप लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा। तुम मुझे 100 रुपए दे दो और बाकी की जानकारी के लिए उस मालिक के पास जाओ। मालिक के घर? वहाँ कौन है? वो उसका नया सेटअप है, वो वहीं रहती है, नर्स का काम करती है ना। रचल सर कम। चुप बे।
यहाँ पास में कोई नर्स रहती है ना? नर्स? नर्स? अच्छा वो डॉली सिस्टर। वो नर्स अभी कहाँ है? हमको पता नहीं है सर, इस इलाके में वो कब आती है और कब चली जाती है किसी को कुछ खबर ही नहीं। बीच में थोड़े दिन के लिए आती है और फिर चले जाती है, यहाँ परमानेंटली उनका काम ही नहीं है। काम करो, यहाँ कोई भी आए इस नंबर पर कॉल करके बोल देना। ठीक है सर। हाँ सर। एबी, एबी, ट्रेन का टाइम हो रहा है, बस एक बार सर से मिल लेते हैं फिर चलते हैं। यही उनका घर है, चलो। लीजा और मैं हमेशा एक ही वक्त पर यहाँ से निकलते थे। ओ। एबी? अरे जानू टेंशन क्यों ले रही हो, आ जाओ। काफी दिलचस्प है ये। ऑक्शन में इस पेंटिंग की कीमत बहुत ज्यादा होती है। आ, ये है अंकल जेन जोसेफ। सारी पेंटिंग्स जोसेफ सर बेचते थे। शांति निकेतन में अध्यापक थे और आंटी कला क्षेत्र ग्रुप के साथ कुछ डांस प्रोग्राम के लिए गई थी वहां, और फिर रजिस्टर्ड मैरिज तक इनकी कहानी पहुंच गई। और शादी के तीसरे साल में ही एक कार एक्सीडेंट में अंकल चल बसे। तो फिर आंटी ने शादी नहीं की? कैसे करती? अंकल की ये सारी पेंटिंग्स को छोड़कर आंटी एक पल भी नहीं रह सकती। सही कहूं तो आंटी अंकल से बहुत प्यार करती हैं, एक लेडी शाहजहां की तरह। वो ये घर कभी नहीं छोड़ सकती। बहुत अच्छी खुशबू है। यहाँ कहीं तो गजरा का फूल लगा है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, तुम्हारे बालों के बारे में बात कर रहा हूँ। चुप करो। आंटी यहाँ कितने साल से रहती हैं? यही कुछ 7-8 साल। अच्छा लगा, पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया। हमें भी इस तरह का एक घर बनाना है। अभी यहाँ इसी तरह का नजारा होना चाहिए। यहाँ खड़े होने पर आकाश और धरती के बीच में खड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी। क्या? तुम्हारा जैकेट। तुमने अभी तक जैकेट को देखा नहीं क्या? देखा है लेकिन इतना ब्यूटीफुल कभी नहीं देखा। एबी मत करो ऐसा। अरे मुझे देखने दो। अरे 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 सुनो, देखने दो ना। अरे एबी। आंटी। तू क्या, मैं तुझे देखूंगा? मैं इस ट्रेन में आता जाता रहता हूँ, वहाँ छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे पहले अपना काम ठीक से किया करो, रेलवे पुलिस की धमकी देता है। पुलिस पकड़ेगी तो फौजी मुझे आकर छुड़वाएगा। बड़ा आया धमकी देने वाला। रुको रुको, इधर क्यों भाग रहे थे? क्यों भाग रहे थे जल्दी बताओ, बोल जल्दी। सर आपको देखकर डर के मारे भाग रहा। डर के? किस लिए? आप रेलवे पुलिस वाले नहीं है क्या? मैं तो खामखा डर गया था। इस ट्रेन में शशि तुम्हारा हर रोज जाना आना होता है ना? हाँ सर। फरवरी 2 को एर्नाकुलम से मुलुकुरा पैसेंजर ट्रेन में तुमने सफर किया था क्या? अरे साहब रेलवे पुलिस पकड़ लेगी तब भी मैं यही रहूंगा, वरना मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी ना। उस दिन ट्रेन के सफर में इन आदमियों में से किसी को भी देखा? अरे बापरे, ये तो अपने चंद्र सर है। इन्हें तुम जानते हो क्या? हाँ कैसे नहीं जानूंगा, चंद्र सर तो मेरे बहुत करीब हैं, खास रिश्ता है। और हाँ डॉली सिस्टर के साथ इनकी सेटिंग है।
जिस दिन मैंने चंद्र सर को आखिरी बार देखा था उसके बाद मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, वो यहाँ दिखाई नहीं दिए। ठीक है, वैसे जिस दिन से गायब हुए हैं उसके बाद, मेरा मतलब 2 फरवरी को इस ट्रिपल पैसेंजर ट्रेन में शशि चंद्र नायर से मिले थे क्या? बताओ। अब वो क्या? अच्छे से सोच कर बोलो, उसे देखा है क्या? हाँ देखा था सर, उस दिन चंद्र सर उसी ट्रेन में थे। आपने अचानक से पूछा इसलिए याद नहीं आया। ये तो तय है सर, याद रखने के लिए एक वजह भी तो होती है। उस दिन त्रिचूर पार करते ही मुझे स्क्वाड ने पकड़ लिया। उस दिन मेरे जेब में कुछ 15,000 रुपये थे। वैसे उस रास्ते में जाने की कोई वजह तो नहीं थी, पर वड़कांजेरी पहुंचे तब चंद्र सर मिले, उन्होंने मेरी जान बचाई। भगवान की कसम बोलता हूँ उन्होंने मुझे स्क्वाड से छुड़ाया। अच्छा तो किस कंपाउंड में थे तुम उस वक्त? लास्ट कंपार्टमेंट में। लास्ट? वही सर, लेडीज कंपार्टमेंट के बगल वाले कंपार्टमेंट में। वहां से उतरकर जाने के लिए मुझे आसानी होती है, लास्ट ट्रिप में मैं हमेशा उसी में चढ़ता हूँ। जो भी किडनैप हुए हैं वो 5 लोग फरवरी 2 तारीख को जर्नी तो किए हैं, ये तो कंफर्म हो गया है। अभी हमें पता लगाना है कि वो 5 लोग एक ही कंपार्टमेंट में ट्रेवल किए हैं या नहीं। सर 5 लोगों में 2 लोग लीजा थॉमस और मनोज पुदीमना इसी ट्रेन से आते जाते हैं। उनके ऑफिस में जाकर को पैसेंजर के साथ पूछताछ किया तो कभी कभार। मैं इस आदमी को पहचानता हूँ, मैं और मनोज जब चाय पी रहे थे ये आदमी वहाँ आया था। ऐसा है? हाँ, क्या? ये मनोज का पहचान वाला है। और फिर हम एक ही कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। सर त्रिचूर के बाद ज्यादातर लोग कम हो जाते हैं, बाकी कुछ बचे हुए लोग पत्ते खेलते हैं। सर उस दिन मनोज और ये 3 लोग साथ थे, नाम तो याद नहीं सर। बीच में हमने ऐसा ही को भी ट्रेन में देखा। लीजा और मैं हमेशा एक ही वक्त पर यहाँ से निकलते थे। फरवरी की 2 तारीख को आपके साथ इनमें से कोई सफर कर रहा था क्या? ये तो थे, और दाढ़ी वाला ये भी साथ में था। आप लोग कौन से स्टेशन पे उतरे थे? स्टेशन में। तब ये 4 लोग सीट पर थे क्या? हाँ सीट पर थे, वो लोग पत्ते खेल रहे थे। मैं वड़कांजेरी में उतर गई थी तब भी ये लोग सीट पर थे। हाँ टेल मी महेश। लीजा थॉम्स के साथ जो औरत सफर कर रही थी वो मनोज कुदमनी और विनीता टीचर को पहचान चुकी है। गुड, वड़कांजेरी तक ये लोग साथ गए थे। लेकिन एक बात और है सर, पुष्कर नाम का एक लड़का उन्हीं के साथ सफर कर रहा था, हमने उससे पूछताछ की है सर। वेरी गुड महेश, ब्रिंग हिम। एक फूल देने से पूरी जिंदगी तुम्हें खुशी मिलने जैसा लग रहा है। शादी के बाद ज्वाइन करेगी ऐसा शारा ने बोला है, फिर भी हमारे दिल में एक छोटी सी शंका भी है। चिंता करने की बात नहीं है, छुट्टियां खत्म होते ही वो यहाँ आ जाएगी इनकी टीचर बनकर। वैसे तो ये भी तुम भगवान का आशीर्वाद पाने वाले नेक बंदे हो, तुम्हें देखते ही मुझे पता लग गया। उस दिन आपने कहा था यू मस्ट कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, कहा था ना आपने ये? क्या मैंने? मदर कब? अरे वैसे उस दिन तुम्हारे रवैया को देखकर कौन नहीं बोलेगा ऐसा। वैसे शारा को सब समझ आती है, वैसे अभी देर हो रही है, चलो साबू। हाँ रेडी रेडी, शाम के टाइम लेट होगा तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे, चलो। टिकट वगैरह सब ले लिया ना बेटी? है ना, स्टेशन टिकट है ना मदर? हाँ, तो फिर डरने की जरूरत नहीं। पापा वो सामान सब कहाँ है? अरे भूल ही गया, अच्छा हुआ याद दिलाया। ये सब क्या है? साबू भाई को मेरा घर पता है, बच्चों लोगों के साथ सब लोगों को आना है। सभी बच्चों ने मिलकर ये गिफ्ट दिया है। जो
जो भी किडनैप हुए हैं उन पांचों में से दो लोग फरवरी 2 तारीख को मुलुर कर पैसेंजर ट्रेन में एक साथ सफर कर रहे थे, ये तो तय हो चुका है। आगे क्या है सर? एर्नाकुलम से लेकर पुंगदम तक इस सफर में, खासकर उस कंपार्टमेंट में, बोलने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। मेरा मतलब है, जो भी किडनैप किए गए हैं उन पांच लोगों में इन्वॉल्व या क्लैश या इश्यूज आपस में बिल्कुल नहीं हुआ है। हमें जो भी सबूत मिले हैं उसके स्टेटमेंट से ये साफ पता चल रहा है। Am I right? But what about पुंगदम टू मुलुरकर? इसके बीच एक छोटी सी कोई ना कोई इंसिडेंट तो हुआ है रेचल। रेचल सर, क्राइम रिकॉर्ड से ये सारे डिटेल्स को कागज पर लिखो। हाँ सर। ये चाहिए, गो एंड कलेक्ट। आज की ट्रेन काफी लेट थी, उसी वजह से तो देर हो रही है, तो ट्रेन छूट जाएगी। अरे जल्दी चलो। अरे अभी अच्छा मैं टिकट लेके आता हूं। हमने लिया ही नहीं ना। अरे वापस क्यों लेकर जाना है? चला गया। तुम 15 दिन के बाद वापस यहां आ ही रही हो ना। मैं उसे अपने पास सेफ रख देता हूं, तुम चिंता मत कर। पूछने नहीं जा रहा हूं, चलो। वैसे तो आप सच बोल रहे हैं, मैं छोड़ दूं क्या? उसको कहां तक प्लेटफार्म तक आता हूं मैं। हां चलो, तुम उधर चेक करो, मैं स्टेशन मास्टर से बात किया हूं। हां हां 18 तारीख को मेरी शादी है। फिर बिल्कुल आएंगे। आज से आ जाओ। अच्छा ऐसा, फिर तो मेरी भी शादी है। एनीवेज आई विल ट्राई। सर ये अजय कुमार है। फरवरी की 2 तारीख को ये भी मुल्लू रखकर पैसेंजर के उसी कंपार्टमेंट में था। उनका तो शिनाख्त कर दिया गया है, और खास बात यह है कि इससे हमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। वो क्या है? फोटो में जो 5 लोग हैं उसके अलावा 2 लोग और उस कंपार्टमेंट में थे। कौन थे वो लोग? मुल्लूर का रेलवे स्टेशन के बाहर बेकरी चलाने वाला रवि, उसका पूरा नाम रवि पिल्ले है। हेलो, व्हाट, ये कब हुआ? अभी 10 मिनट पहले ही हुआ है ये सर। वहाँ ड्यूटी पे हमारे आदमी थे ना? हमारे 2 कांस्टेबल ड्यूटी पर थे सर। वो जब खाना खाने गए थे तभी ये घटना हुई है सर, तभी हुआ ये। ये खबर चारों तरफ फैल गई है सर, गाड़ी शहर छोड़कर जा सकती है सर। सो नेक्स्ट, देखते हैं अब क्या करना है। Excuse me. कौन है? क्या चाहिए? मिस्टर रवि पिल्लई। हाँ हाँ। कम। आई एम फ्रॉम CBCID. प्लीज कॉपरेट। आपका किडनैप होने की संभावना है। क्या? किडनैप कौन करेगा? प्लीज कॉपरेट। पहले बताइए तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कम फास्ट। गेट इन फास्ट। सीट मिली क्या? नहीं, सीट नहीं मिली। यहाँ पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, बहुत भीड़ है। जब यहाँ बैठने के लिए जगह मिलेगी तब मैं बात करती हूँ, ओके? वैसे परेशानी क्या है सर, मुझे क्यों लेकर आए हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। नो, आई वांट फाइनल वर्ड से मिस्टर रवि पिल्लई। आपने कोई गलती नहीं किया है, आई नो दैट। हमें पता चला आपकी जान को खतरा है। फरवरी 2 तारीख को मुलुकर पैसेंजर में आपके साथ सफर करने वाले 5 लोगों का किडनैप हो चुका है। आगे किडनैप होने का चांस आपका है, एक बुक सेलर और काराना है। हेलो, अगर आप चाहे तो एक जान को बचा सकते हैं, बताइए वो कौन है प्लीज। सर हा? उस आदमी का भी किडनैप हो गया। व्हाट? हे, टीवी ऑन करो। ओके सर। 5 लोग जो निर्दोष थे उनका दिन दहाड़े किडनैप हो गया। केस जो का त्यों है, ये केस जहां से शुरू हुआ था वहीं आकर खड़ा हो गया है। इस बीच 6ठे आदमी का भी किडनैप हो चुका है। वट कांचरी में रहमानी चिकन स्टॉल चलाने वाला रफीक का ड्राइविंग लाइसेंस और पर्स से 3,000 रुपए उस गाड़ी से बरामद हुए हैं। स्विच ऑफ ऑल फोन्स, जल्दी करो एवरीवन। हे, दिस वन, दैट वन। यस सर।
मिस्टर रवि पिल्लई। सर कम शे। अरे यार ये कहां जाकर मर गया, बहुत देर हो गई है। ओके गाइस हम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। चीयर्स। हाँ सीट मिल गई है। थैंक गॉड। एबी अभी तुम कहाँ हो? मैं अपने फ्लैट में हूँ। सब लोग हैं। ये इतनी आवाज किसकी आ रही है? यहाँ सब मेरे दोस्त ही हैं। अबे कौन है? सब एक साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं। तुम भी आ जाओ। चलो चलो शुरू करते हैं। अरे ये तो बहुत आ गया थी। चलो चलो जल्दी आओ। इन लोगों को जानते हो क्या? टेल मी डू यू नो देम? नहीं जानता। ओके एर्नाकुलम से इवनिंग 6:30 को निकलने वाली मुल्लुकर पैसेंजर ट्रेन में फरवरी 2 तारीख को आपने सफर किया था क्या? हाँ सफर किया था। उस दिन आपके साथ कौन कौन थे? टेल मी। मैं अकेले था। अरे बीबी क्या बात है। ए, रुको 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 अभी तो कुछ ही दिन हुए नई जिंदगी शुरुआत करके इसको इस दूल्हे के लिए मैं गाना पुंगदम स्टेशन से मुल्लुकर सफर करने वाले कंपार्टमेंट में कितने लोग थे? मैं अकेला था। बिलो 10 अबव 10 बताया ना मैं नहीं जानता। वैसे आप कौन से स्टेशन पे उतरे थे? मुल्लूर करे। आप जब उतरे थे तब आप अकेले थे क्या? नहीं। That's why I'm asking, उतरते समय कंपार्टमेंट में कितने लोग थे? Tell me the truth. आपको ताश खेलने आता है क्या? आता है। ट्रेन की सफर में कभी ताश खेले हो? नहीं। फरवरी 2 तारीख को आप जिस कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे वहां ताश खेलने वाली टीम थी क्या? बताओ बोलो। याद नहीं है। यहाँ कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, बड़े अजीब से लोग हैं। आपका सीट नंबर कितना था? पैसेंजर ट्रेन में सर सीट नंबर कौन देखता है? आप कहाँ बैठे थे? याद नहीं है। ओके एर्नाकुलम से मुल्लुर के सफर में इस फोटो में जो 5 लोग हैं उनमें से किसी को भी कंपार्टमेंट में देखा है क्या? नहीं। इनका चेहरा कभी कहीं और देखा हो कुछ याद है? नहीं। लेकर आओ। सर इसे जानते हो? नहीं। अरे सर गेट अप ऐसे देखा नहीं सुना नहीं जानता नहीं याद नहीं इसके अलावा कोई शब्द नहीं है क्या? मिस्टर रवि पिल्लई आगे से मेरे सवालों का जवाब सच सच दोगे नहीं तो सच निकलवाना मुझे आता है। ए महेश दरवाजा बंद करो। सर फरवरी 2 तारीख को एर्नाकुलम से मुल्लुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में पुंगुदम से लेकर मुल्लुर के बीच आपके कंपार्टमेंट में कुछ तो घटना घटी थी वो क्या है बताओ जल्दी बोलो। पचास किलोमीटर की दूरी गहरा सन्नाटा से भरा हुआ बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना वहां ऐसी कौन सी घटना घटी थी बोलो जल्दी बताओ पूछ रहा हूं। 7:55 को गाड़ी पुकुंदम से रवाना हुई थी 8:25 को गाड़ी मुल्लुर पहुंची थी। कहां तक पहुंचे तुम? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पुंगुदम क्रॉस कर रही हूँ। बहुत ही कम दूरी बहुत कम पैसेंजर सोच कर दिल दहल जाए ऐसी घटना आपके सामने घटी है वो क्या है बताइए। टेल मी रवि टेल मी द ट्रूथ। टेल मी रवि।
हेलो क्या बात है हेलो कुछ बोल क्यों नहीं रही हो चना यस आई चंद्र नायक साजी के यार मनोज कुदियन विनीता टीचर लीजा थॉमस रफीक कहाँ है ये सभी लोग सलीम एक सिगरेट चलाओ कोई मरा नहीं है छह लोग जिंदा है कल 11:30 बजे शारा का 16वां दिन है उसका क्रियाक्रम होने तक उन सभी 6 लोगों को कुछ भी नहीं होगा 11:30 बजे के अगले मिनट से एक एक करके सभी लोग मरेंगे नरक में पहुंचेंगे ये क्या है आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी अगर इसकी वजह शारा की मौत है तो कातिल तो पकड़ा गया ना फिर इस सब की क्या जरूरत थी कातिल ये है ये सारे कातिल कैसा कातिल इन्होंने ही मारा मेरी शारा को इन्होंने मेरी शारा को मार डाला बेरहमी से मार डाला इन्होंने मेरी शारा को इन्होंने मारा अरे पुलिस वालों की तरह मत खेलो ठीक से खेलो ये मैं जीत गया अरे मनोज किधर गया कितना बकबक करता है चल पता डाल चल देखना अरे ये जीत गया ना मैं कुछ भी ये ले ये देख ये ले मेरा चल तेरी बारी है चल ए क्या कर रहा है ठीक से खेल ले लो चाय कॉफी ए कॉफी पिएगा कोई चाय कॉफी आपका खेल तो दिलचस्प है ले लो गर्मा गर्म चाय कॉफी अरे मेरे खेलने के बाद ही आपको खेलना है ना लगता है लास्ट बस भी निकल गई होगी हमें बस स्टैंड पे ही रहना पड़ेगा अच्छा चलना चल 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 अरे हमारा लास्ट बस निकल गया ना तो बस स्टैंड पे रहना पड़ेगा मैंने कहा ना अरे धंधा तो अच्छा हो गया ना फिर ऑटो पकड़ के चले जाना वैसे ये मुल्लूर करे स्टेशन कब पहुंचेगी 10 मिनट की दूरी है हाँ, अगर इसी तरह चलती रही तो शाबाश वेरी गुड क्या बात है अरे साहब चैन खींचो कोई नीचे गिर गया है चैन खींचो चैन कोई नीचे गिर गया चल चल अरे ये उनका रोज का नाटक है वडकांजरी आते हैं और कूद कर चले जाते हैं उसे किसी ने धक्का दिया है वो फोन पर बात कर रही थी मैंने अपनी आंखों से देखा आप चल लीजिए अरे क्या कर रहे हैं आप जरा रुकिए अरे चल हट पीछे आपको बोला ना हटो अरे पीछे हटो एक लड़की की जिंदगी का सवाल है चैन खींचो अरे साले पुलिस वाले पे हाल उठाएगा अरे तुम्हें पुलिस में किसने भर्ती किया अगर तुम पुलिस वाले हो तो मैं मिलिट्री वाला हूँ अब दूर हटो खींचने दो रुक बोला ना खींचने दो मुझे ए पकड़ उसको चैन खींचो क्या कर रहा है दूर हटो पहले ही ट्रेन लेट हो चुकी है और तू चैन खींचेगा और रुकाएगा समझ में नहीं आता तुझे एक बोला ना तुझे
अरे ट्रेन भी इतनी दूर आ चुकी है, चेन खींच कर क्या करेगा? भले भीख मांगने वाली हो, वो है भी तो इंसान ना, दूर हटो। अरे बहन जी, आप मेरी बात सुनिए, एक लड़की वहाँ पर थी जो नीचे गिर गई है। ट्रेन इतनी दूर आ गई है, अब चेन खींच कर भी क्या फायदा? अरे एक लड़की नीचे गिर गई है, कम से कम उसे बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। ये भी ना, मैं तुमसे एक सगे भाई की तरह पूछ रहा हूँ, प्लीज उसे बचा लो। हाँ सुनिए जी, मैं पहुँच गई हूँ। हाँ स्टेशन के फ्रंट गेट पे आपका इंतजार करती हूँ, आप वहीं पे आ जाना। ठीक है। छह लोग, उनमें से दो औरत, एक लड़की नीचे गिर गई है और मौत से जूझ रही है, और किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने उनके पैर तक पकड़े, रो रो कर गिड़गिड़ाया, किसी ने नहीं सुना। अगर उस दिन उन लोगों ने मेरा साथ दिया होता तो मैं एक फौजी हूं। ठंड में, पहाड़ में, धूप में खड़े होकर लोगों की हिफाजत करने वालों में से हूं मैं। चार पांच कुत्तों के भौंकने की वजह से मैं लाचार हो गया था, लाश बनकर रह गया था मैं, लाश। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ये खुदगर्ज लोग फौजी का निशाना बन गए ये छह लोग। भले ही मैं अंदर रहूं, लेकिन जो होने वाला है वो होकर रहेगा सर। बाहर कल वो छह लोगों का सर काट दिया जाएगा, खुलेआम, खुलेआम काट दिया जाएगा सर। नहीं छोड़ने वाला मैं किसी को। सबको एक न एक दिन मरना ही है, खा लो, खा लो। मेरे बाप को हॉस्पिटल लेकर जाना है, उनका डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कल मेरी बेटी का हार्ट का ऑपरेशन है, ट्रीटमेंट के पेपर्स मेरे हाथ में हैं। गलती तो मैंने की है ना, मुझे मार दो, मेरी बेटी की जिंदगी। तुम्हें पता है मेरी बेटी की शादी रुक गई है, हर बात पे गुस्सा करती है मेरी बीवी, मुझे डर है कि वो कुछ कर ना बैठे। अरे बाप रे, एक फोन करने दो ना घर पे, आप बात करो चाहिए तो, मुझे मत देना प्लीज। मुझे माफ कर दो, हेलो, या आई गॉट इट। दुनिया में कोई भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ऐसा सारा का कहना था, पर आज तुम लोगों के सामने उसकी मौत हो गई और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो दर्द से चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, और तुम्हारे आंखों के सामने ये सब हुआ और तुम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। हाँ?
शारा। Hey, Abby. I know where you are. I trace you. You surrender. Hey. भूख लगी है ना? शायद तुम्हें नहीं, तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे को, है ना? 22 साल तक जिस बच्ची को पाल पोस कर उसकी माँ ने बड़ा किया, उसकी आंसू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुम लोगों ने, और अब रो रहे हो। सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? भविष्य में चैन से जीने वाली महिलाओं के लिए, दिल में उम्मीद का दिया जलाकर बैठी उस माँ के लिए। Abby, open the door. Hey. चलो चलो चलो। Hey, उस तरफ से खेलना। निकलो। Hey, Abby, बेटा Abby, दरवाजा खोलो बेटा। Abby, दरवाजा खोलो। डरो मत, मैं गिरीश पार्थ सारथी एसपी हूँ। अभी यकीन हो गया ना, किसी को कुछ नहीं किया है, उससे नहीं होगा, इतना कठोर दिल का नहीं है मेरा अभी। इनको मारने की हिम्मत तो मुझ में है, बदला लेने की आग मेरे अंदर जल रही है। अगर मारना होता तो मैं कब का इन लोगों को मार चुका होता, लेकिन ऐसा करने से मेरी शारा की मौत का बदला नहीं मिलता। इन लोगों ने जो गुनाह किया है वो गुनाह इनको समझ में आना चाहिए। एक जान की कीमत क्या है, इन राक्षसों को उसका एहसास होना चाहिए। इन लोगों को सजा देने का अधिकार आपको किसने दिया? अरेस्ट टीम। नहीं सर। हाँ? उनको अरेस्ट मत कीजिए, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, गलती हमारी तरफ से हुई है। उस दिन अगर हमने ट्रेन की चेन खींची होती तो शायद शारा बच जाती, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हाँ सर, गलती हमारी है। कानून से बढ़कर इंसानियत होती है, और इंसानियत से बढ़कर है इंसान का विश्वास। शारा के साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। इन्फॉर्मेशन के साथ विलिंगटन आइलैंड पहुंचने वाली पुलिस की टीम उन 6 मुजरिमों को ढूंढ निकाला है, लेकिन गुनहगार कौन है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। किडनैपर्स के बारे में ये 6 लोग और पुलिस वाले खुलकर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हैं। कौन है ये किडनैपर्स, उनका क्या लक्ष्य है,
इस सवाल का जवाब अभी भी एक रहस्य है। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ। चैनल 5 की तरफ से रिपोर्टर तारा विश्वनाथ।